शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। केसरिया बालम आवो हमारे देश। किसी करनी से मुख को मोड़ा, बीच भवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही केसरिया बालम आवो हमारे देश। हमारे देश हमारे देश। अरे जे उस कमीने यश ने एन मुख पर आके रुक्मी की कोख में पल रहे रणवीर के बच्चे को अपना बता के सारा खेल ही खराब कर दिया। नहीं तो अभी तक दोनों की आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती। भांजे ना पता नहीं रणवीर कैसे बदल गया, उसने आपसा का इरादा भी बदल दिया। भांजे यो रणवीर बहुत चालाक आदमी है, थारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भांजे। भांजे यश और रुक्मी दोनों जिंदा है और हवेली से बहुत दूर है, अपनी पकड़ से बहुत दूर। रुक्मी की कोख में रणवीर का बच्चा पल रहा है, इसलिए भांजे कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि कुछ होवे तू अपनी तिजोरी भरना शुरू कर दे भांजे। हाँ आप सही बोल रहे मामा साहब, अब इस रुक्मी इकट्ठे ना होते रणवीर के गृहस्थ में कोई परेशानी तो ना होगी। और पछे हवेली में भी नो प्रॉब्लम। अरे भांजे यदि रणवीर ने अपने काम पे और अपने ऑफिस पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो थारा हाथ तंग हो जाएगा भांजे। इसलिए जितना माल आवे बटोरना शुरू कर दे। और रही बात रणवीर की सुखी गृहस्थी में आग लगाने की,
तो थारा मामा सा के दिमाग में कोई न कोई आइडिया तो आ ही जाएगा, समझो। लेट्स गो। संभालो अपने आप को रुक्मी, मत रो। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी रुक्मी इससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और अब तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है, और यह सदमा उसकी सेहत के लिए भी तो ठीक नहीं है। आंसू ही हमारे भाग में है आशु। प्लीज रुक्मी, मेरा यकीन मानो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने झूठा दिलासा ना दे आशु, जिस गुनाह की सजा हमारे को मिली है उसमें हमारी कोई गलती ना, हमारे दोस्त ने गुनाह अपने माथे पर लेकर हरे को सबकी नजरों में गुनहगार बना दिया। काहे आशु, काहे किया तूने ऐसा, काहे तूने झूठ बोला कि भारे होने वाली औलाद थारी है। ऐसा करके तूने तूने मारे भाग को पाप का नाम दे दियो है। तो और मैं क्या करता रुक्मी, क्या करता? ठाकुर साहब तुम्हें गोली मार देते, तुम्हारी जान ले लेते। तुम्हें बचाने के लिए उस वक्त मुझे जो सूझा मैंने किया। मुझे लगा कि अगर ये इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूँ तो उनके गुस्से का कहर तुम्हारे बजाय मुझ पर टूटेगा, जो मैं बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बचाने की ये कोशिश इतनी तकलीफ देगी। रुक्मी, मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। मैं जानू हूं आशु, थारे को मारी वजह से घनी परेशानी उठानी पड़ी, फिर भी तूने तो हमेशा हमारी मदद ही की है। माफ कर दे आशु, पर मारे को भी ना पता है कि मैं क्या करूं। इस बच्चे के बारे में सोचकर मारे को घना दुख हो गए। पाप की उपज ना होते हुए भी कहीं मारी तरफ इस पर भी कोई पापी होने का दाग ना लगा दे। रुक्मी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इस बच्चे को मैं अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। हाँ रुक्मी, लेकिन ये मत समझना कि मैं इस मौके का फायदा उठा रहा हूं। अगर एक झूठ से दो जिंदगियां सवर सकती हैं तो मेरे लिए वो झूठ सच से बढ़कर है। रुक्मी, मैं अब भी तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तूने तूने मारे वास्ते जो किया है ना आशु, उससे मारे मन में थारे लिए तो और भी बढ़ गई है। थारे सिवा भारा है ही कौन जिसे मैं अपने मन के सारे सुख दुख बांट सकूं।
मांग का सिंदूर मिटा देने से मन का प्रेम तो ना मिट सके, है ना? ठाकुर साहब आज भी हमारे मन में बसे हैं। के सिवा किसी और के बारे में सोच भी ना सकूं। तो घणो अच्छो इंसान है आशु। मैं कान्हादा से मांगूंगी कि थारे को ऐसा जीवन साथी मिले जो थारे को दुनिया की सारी खुशियां दे। हमारे पास तो सिवाय दुख के और कुछ ना है। रुक्मी, मैं तुम्हें ये सब कहकर और दुखी नहीं करना चाहता था। तुम परेशान मत हो, वही होगा जो तुम चाहोगी। अब क्या सोचा है, राजौत जाओगी? हमारे वास्ते सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं आशु, कहाँ वापस जाकर मैं बापू की इज्जत पे दाग न लगा सकूं। एक ना एक दिन तो सबको ये सच्चाई पता चली जाएगी ना, तब क्या कहूंगी मैं, क्या जवाब दूंगी सबको? तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है रुक्मी। अगर तुम्हें गांव वापस नहीं जाना है तो तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। ना आशु, मैं कहीं और चली जाऊंगी, कहीं ऐसी जगह जहां हमारे को और हमारे होने वाले बच्चे को कोई ना पहचान सके। हमारे कारण पहले ही थारे को घनी परेशानी उठानी पड़ी है। मुझसे ऐसा कहकर तुम मेरी तकलीफ और बढ़ा रही हो। रुक्मी, अब मैं इस मामले में तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम यहीं रहोगी एंड दैट्स फाइनल, समझी? रणवीर अच्छो इंसान है मासा, और अच्छे इंसान का साथ तो भगवान भी देवे है। चिंता ना करो, जरा देर सो जाओ मासा, आंखें बंद करने से आराम मिलेगो। आंखें बंद करूं तो बार बार वो ही याद आवे है गायत्री, बार बार रुक्मी की उजड़ी हुई मांग दिखे है, रणवीर का सिंदूर मिटा तो वो हाथ दिखे है। कैसे आराम करूं, कैसे आंखें बंद करूं गायत्री, न जाने के हुए को। मासा, आप ही तो कहो हो ना, जब सब कुछ हाथ से छूट तो नजर आवे तो भगवान को सौंप देना चाहिए। चिंता करने से तो आप बीमार पड़ जावेंगी मासा, और कुछ ना होवे को। जो वो है उसे कौन ही बदल सके, ऐसे में क्या करे मासा? तो ऐसे में आने वाली विपदा का हाथ पे हाथ धरे इंतजार तो ना कर सके, है ना गायत्री? मैं आचार्य जी से बात करूंगी, शायद वो ही कोई उपाय बता दे। Thank you.
तुम ठीक हो रसाल। मैं तो डर ही गया था, ना तुम कुछ बोल रही थी ना कुछ। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। हरि को माफ कर दो ठाकुर साहब, हर से बोल हो गई। हर बार आपने हरि को समझाया और हर बार मैं जीजी की तरफदारी करके आपसे लड़ती रही। कड़ा विश्वास था हमारे को अपनी जीजी पर। उड़ के आगे मैंने आपकी बात को भी अहमियत ना दी। उनके खातिर मैं सबसे लड़ती रही, लेकिन उन्होंने मारे को ही गलत साबित कर दी और विश्वास तोड़ दियो। मारे से ये बर्दाश्त ना हो गए ठाकुर साहब, मैं अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। नहीं रसाल, तुम अकेली नहीं हो रसाल, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जो बीत गया है उसे भूल जाओ और आने वाली जिंदगी को मेरी आंखों से देखने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा रसाल, सारी खुशियां। आई प्रॉमिस, अपने प्यार से तुम्हारे दिल पर लगे हर घाव को भर दूंगा। इस सारे हादसे की वजह से जो भी वक्त हमने खोया है, वो हर लम्हा मैं नए सिरे से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। बोलो, साथ दोगी ना मेरा? कितनी अभागी हूं मैं, जो जो मारे जीवन में आयो, मारे से प्रेम कियो, मारे ऊपर विश्वास कियो, उन सबको मारे कारण दुख झेलना पड़ो और अब आशा को भी भारी वजह से घनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अब आशा पर और बोझ ना बन सकूं। मैं ना चाहूं कि मारे कारण कोई उस पर उंगली उठाए। मैंने पहले ही उसे घने दुख दियो है, पर अब ना, मैंने माफ कर दिया आशु। मैं थारे को बिना बताए जा रही हूं, जे बताऊंगी तो तू मने जाने ना देवेगा। मैं तो ये भी ना जानू हूं कि मैं कठे जाऊंगी, शायद किसी ऐसी जगह जहां मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई शुरुआत कर सकूं। थारो घणो उपकार है मारे ऊपर, मने माफ कर दिया आशू।